हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिल अरोड़ा और आप देख रहे हैं अखिल अरोड़ा फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्स के वर्कआउट के बारे में। तो बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, मेरे काफ़ी दोस्त मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैंने अभी तक एक भी ऐप्स की वीडियो नहीं अपलोड की है। तो ये वाली वीडियो स्पेशली बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग वर्कआउट करते हैं उन दोनों के लिए है। और आप चाहे तो ये जिम में भी कर सकते हैं और चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 6 एक्सरसाइज, जिसमें आप कंप्लीट एप्स वर्कआउट है, मैं 6 एक्सरसाइज लूंगा और साथ में बताऊंगा मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, जो काफ़ी लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है उनको काफ़ी स्लो मिलता है। अगर आपको अच्छा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको ये जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो इसमें है वो है क्रंचेस। जो क्रंचेस जो है काफ़ी लोगों को पता है, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है एप्स की। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने जो नीज है, नीज को आपको शोल्डर लेवल पे ओपन करना है और उसके बाद अपने हाथों को आपको सर के पीछे रखना है। पर अगर आप बिगनर हैं और आप ओवरवेट हैं और आपको अपनी बॉडी को आगे लिफ्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो वहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप अपने हाथों को आगे रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे क्या है, वो आपकी बॉडी को आगे पुश करने में सपोर्ट देगा। पर अब आते हैं मिस्टेक पे। जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि अपनी पूरी बॉडी को आगे लिफ्ट करते हैं। जी हाँ, अपनी पूरी बैक को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको करने की सही फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने जो बैक है, आपको सिर्फ अपने पोस्टीरियर डेल्टॉइड, मतलब कि जो आपका बैक शोल्डर होता है, उतने ही लेवल तक अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है। क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि आपके जो क्रंचेस, मतलब आप क्रंचेस कर रहे हैं तो आपको स्क्वीज करना है अपने अपर एप्स को। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ आपके अपर एप्स के लिए है। तो आपको अपर एप्स को स्क्वीज करना है, ना कि अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट करना है, सो दैट आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर आए। और अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे, जो कि है लेग रेसेस। लेग रेसेस जो है वो आपके लोअर एप्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है। और इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने हाथों को अपने हिप्स पे लॉक करना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद मिस्टेक की बात करूं तो बहुत से लोग क्या इसमें गलती करते हैं कि जब वो अपने लेग को लिफ्ट करते हैं तो पूरा 90 डिग्री तक लिफ्ट करते हैं और जब नीचे लेके आते हैं तो पूरे फ्लोर को टच करते हैं। वैसे ये गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स के लिए काफ़ी टफ होता है 45 डिग्री पे होल्ड करना, जो कि सही फॉर्म है इसको करने की, जैसा कि आप अब देखेंगे। जी हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम अपने लेग्स को 45 डिग्री पे लिफ्ट कर रहे हैं और इसमें ग्राउंड को टच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल का, जो वो कॉन्ट्रैक्शन है वो टूटता नहीं है। और जबकि आप जब 90 डिग्री पे लिफ्ट करते हैं और पूरा नीचे ग्राउंड पे उसको टच करते हैं, फ्लोर पे टच करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टूट जाता है। पर जो लोग बिगनर हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ, जिनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जो काफ़ी हैवी ओवरवेट हैं, तो वो 90 डिग्री पे ले सकते हैं। तो ये तो हुई सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें आप अपने लोअर एप्स को ट्रेन करेंगे। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे, जो कि है वी क्रंचेस। वी क्रंचेस के लिए आप चाहे तो कोई भी छोटा स्टूल या टेबल ले सकते हैं, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। इससे चाहे तो थोड़ी सी और हाइट का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, कि आपको बिल्कुल इसके एच पे बैठना है और अपने हाथों को जो ऑपोजिट एच है वहाँ पे लॉक करना है। उसके बाद अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो अब आते हैं मिस्टेक पे। बहुत से लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ अपने लेग्स को स्क्वीज और स्ट्रेच करते हैं, जबकि अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको करने की सही फॉर्म क्या है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप अपने लेग्स को आगे लेके आते हैं तो उसमें आपकी बॉडी है वो भी साथ में आगे, उसको आपको क्रंच करना होता है, और जब पीछे लेके जाते हैं तो पूरा स्ट्रेच करना होता है। तो जब आप सिर्फ इसमें लेग को अपने सिर्फ अपने लेग को स्क्वीज और स्ट्रेच करेंगे तो वो सिर्फ आपका जो एब्डोमिनल एरिया है सिर्फ उस पर हिट करेगा और आपके सिर्फ लोअर एब्स को ट्रेन करेगा। जब आप कंप्लीट इसमें स्क्वीज, जब आप कंप्लीट स्क्वीज और स्ट्रेच करेंगे तो वहां पे जो आपका कंप्लीट अपर और लोअर एब्स है वो दोनों को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। तो ये हुई वी क्रंचेस, इसके आप 15 रेपिटेशन ले सकते हैं 3 सेट्स के साथ। और अब आते हैं माउंटेन क्लाइंबर, फोर्थ एक्सरसाइज जो कि है माउंटेन क्लाइंबर। सबसे पहले मैं बताऊं तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो ऑब्लिक्स के लिए है।
काफ़ी लोग सिर्फ अपने एप्स को ट्रेन करते हैं और जो ऑब्लिक्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अब जो लोग जिनका साइड फैट बहुत ज़्यादा होता है, ये जो जिसे लव हैंडल्स भी कहते हैं, उनके लिए ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप जब अपने ऐप्स को ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे आपको अपर, लोअर और ऑब्लिक्स उनको साथ में ट्रेन करना है। तो यहाँ पे जो माउंटेन क्लाइंबर है वो आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। और इसमें जो मिस्टेक करते हैं बहुत लोग, वो ये है कि रेपिटिशंस पे फोकस करते हैं, स्पीड पे फोकस करते हैं और उनकी जो फॉर्म है वो ख़राब होती है, गलत होती है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जब आप अपने लेग को लिफ्ट करते हैं तो आपको डायगनली लेके जाना होता है, ऑल्टरनेट डायगनली लेके जाना होता है, और अपने नीज को जितना ज़्यादा आप अपने एब्डोमिनल तक लेके आएंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा आप टेंशन क्रिएट करेंगे मसल पे, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आपको स्पीड पे फोकस करने की जगह आपको सही फॉर्म पे फोकस करना है कि आपका जो मेन टेंशन है वो क्रिएट होना चाहिए आपके ऑब्लिक्स पे, साइड पोर्शन पे। तो ये हुई फोर्थ एक्सरसाइज। अब आते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज पे, जो कि है साइड लेग रेसेस। साइड लेग रेसेस जो है काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको गलत तरीके से करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके जो ऑब्लिक्स है उसको ट्रेन करने में हेल्प करता है। जिन लोगों का साइड फैट बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये वाली। और अब मैं दिखाता हूँ कि बहुत से लोग जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें जब आप बॉल का सपोर्ट लेंगे तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब अपने लेग को ऊपर रेज करते हैं तो अपनी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपका जो ऑब्लिक है वहां पे टेंशन नहीं क्रिएट होगा, जैसा आप देख सकते हैं इसमें। तो इसको करने की सही फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जब अपने लेग को रेज करेंगे, चाहे तो आप अपनी बॉडी को स्टिफ रखें, अपने जो अपर बॉडी है उसको सेंटर में रखें और अपने लेग्स को जो है लिफ्ट करें। तो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो वहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में अपने लेग को लिफ्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप अपनी बॉडी को लेके जाएंगे, तो वहाँ पे वो जो स्क्वीज है वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो मसल है को उसको उस पर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा और वो साइड फैट बर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है प्लैंक। प्लैंक जो है वो आपके ओवरऑल एब्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या है। इसमें काफ़ी लोग जो चीट करते हैं वो ये है कि अपनी बैक को काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपनी बैक को ऊपर उठा लेते हैं, उसमें आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे टेंशन क्रिएट नहीं होता है, इसलिए काफ़ी लोग दिखाते हैं कि हम वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक भी कर लेते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट भी अगर आप कर पा रहे हैं तो विच इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको करने की सही फॉर्म। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपके आर्म्स है, जो आपका एल्बो है, उसको आपको अपने शोल्डर लेवल के पैरेलल रखना है और उसके बाद आपको अपनी बैक को उतना ही लिफ्ट करना है सेम लेवल पे जितना आपके लेग्स और शोल्डर है। सो इट हैज़ टू बी पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एब्डोमिनल एरिया होगा वो 30-45 सेकेंड्स के बाद ही बर्न करना हिट कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप समझिए कि आपकी फॉर्म गलत है। तो ये है प्लैंक, जो आपको 1 मिनट के 3 सेट्स आपको 3 सेट्स करने हैं। और ये थी मेरी लास्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 एक्सरसाइजेस बताई हैं एप्स की, जो आप घर पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसे ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, और आपको 1 महीने में मेरी गारंटी है कि आपको इसमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था एप्स वर्कआउट का बिगनर्स के लिए स्पेशली। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।